हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीक और आप पिछले लैक्चर के सैमी कंडक्टर्स बारे बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज अक्वायर की सी। आप देखा सी कि सैमी कंडक्टर्स दो तरह के होंगे, इंट्रिंजिक सैमी कंडक्टर्स एक्सट्रिंजिक सैमी कंडक्टर्स। इंट्रिंजिक सैमी कंडक्टर्स होंगे जो प्योर सैमी कंडक्टर्स होंगे जिन्होंने कोई इंप्योरिटी एड नहीं की होंगी है, तो एक्सट्रिंजिक सैमी कंडक्टर्स होंगे इमप्योर सैमी कंडक्टर्स। एक्सट्रिंजिक सैमी कंडक्टर्स भी असं दो तरह के किए सी, एक सी एन टाइप सैमी कंडक्टर्स तो एक सी पी टाइप सैमी कंडक्टर्स। एन टाइप सैमी कंडक्टर जो से जिन्हों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉज ग्रेटर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, तो पी टाइप सैमी कंडक्टर जो से जिन्हों के होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है। हुण आपां अज इन्हां दे यूज नाल सैमी कंडक्टर डिवाइसिस पढ़ांगे। सब तो पहले जो पढ़ी है वह है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन की है? पी एन जंक्शन है कि जो पी टाइप सैमी कंडक्टर तो एन टाइप सैमी कंडक्टर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के आते हैं तो एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन की बहुत पी एन जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सैमी कंडक्टर डिवाइसिस के, बहुत वास्टली यूज होंगे। अजकल जी आप टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज है, ये पी एन जंक्शन जोड़ा यूज होंगे। सो अज आप देखा कि पी एन जंक्शन बनता किमें है। देखते हैं कि पी एन जंक्शन बनती किमें है। पी एन जंक्शन बनती है जो पी टाइप सैमी कंडक्टर तो एन टाइप सैमी कंडक्टर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के आते हैं। पी टाइप सैमी कंडक्टर के नंबर ऑफ होल्स या कॉन्सनट्रेसन ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन द कॉन्सनट्रेसन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि होल्स जोड़े है, मैं जो ये सर्कल्स बनाए होल्स डिनोट किए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल बनाया हुआ है, तो होल्स ये बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत थोड़े है। इस तरह एन टाइप सैमी कंडक्टर के कॉन्सनट्रेसन ऑफ होल्स इज इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन द कॉन्सनट्रेसन ऑफ होल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो होल्स बहुत थोड़े है। हुण जदों ये आपस कॉन्टैक्ट के आए तो की होया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा है इधर थोड़े है, कॉन्सनट्रेसन का फर्क है, एक किसी पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसी पास होल्स ज़्यादा है, तो की होया कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी के नाल ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेसन वाली साइड तो थोड़ी कॉन्सनट्रेसन वाली साइड वाल मूव करेंगे। इनू बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होंगी है जो खुद ही कोई चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, उन्होंने मैं बाहरों कोई पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया जिदे करके मूव कर रहा है, बस एक कॉन्सनट्रेसन डिफरेंस है जिदे करके इलेक्ट्रॉन्स खुद ही एन साइड तो पी साइड वाल मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन जो हो रही है वो किधर नू हो रही है? एन तो पी साइड वाल। सिमिलरली इधर होल्स ज़्यादा तो होल्स जड़े हो पी साइड तो एन साइड वाल डिफ्यूज करेंगे, तो होल्स जो है डिफ्यूजन होएगी इलेक्ट्रॉन इधर नू डिफ्यूज कर रहा है होल्स इधर नू डिफ्यूज कर रहा है, तो एक नेट करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करके, इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करके तो होल्स की डिफ्यूजन करके। सो डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा एक इधर नू, इस डायरेक्शन दे विच एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो एन साइड तो पी साइड वाल डिफ्यूज करते हैं तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज आप देखते हैं क्यों आता है। पहली गल तो इलेक्ट्रॉन्स वो वाली डिफ्यूज करने हैं जेडे जंक्शन के बिल्कुल कोल है, जेडे बिल्कुल वो कोल है वो डिफ्यूज करने हैं। असी देखे सी कि जो आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड करते प्योर सैमी कंडक्टर के, जिमें कि आप फॉस्फोरस एड की थी सी, ठीक है, पांच वे इलेक्ट्रॉन सके तो यह न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है, जे पांजे पंजे इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के नाल अटैच रहन तो यह न्यूट्रल है। लेकिन जो इस सिलीकन दे क्रिस्टल दे विच बनता है जो इनप्योरिटी एड करके इनू आप एन टाइप सैमी कंडक्टर बनाया सी, ता की हो गया सी कि चार इलेक्ट्रॉन तो ये शेयरिंग दे विच यूज हो गए सी, लेकिन जो पंजवा इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया सी। हुण ये पंजवा इलेक्ट्रॉन ये एटम का पार्ट नहीं रहा क्योंकि वह फ्री हो गया सी, हुण इलेक्ट्रॉन इहदा पार्ट नहीं है, तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिता है तो यह पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया है क्योंकि इन्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिता है। हुण जो वैसे एन टाइप सैमी कंडक्टर है इलेक्ट्रॉन सारे उहदे विच ही पाए सी, तो टोटल एज अ होल एन टाइप सैमी कंडक्टर न्यूट्रल पिया सी, लेकिन हुण कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप सैमी कंडक्टर चो पी टाइप सैमी कंडक्टर वाल मूव कर गए हैं, तो हूँ उत्थे जो कि इतने रह वाले मूव किए सब तो पहले जो जंक्शन के कोल सी, तो फिर पॉजिटिवली चार्ज
जिहड़ा ये डोनर एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम्स जिहड़े है इत्थे बन गए है। हुण जिहड़े पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम्स है ये मूव नहीं कर सकते है क्योंकि क्रिस्टल दे नाल अटैच्ड है। इन्हां दे नाल बाकी सारे होर इधर सिलीकन दे सिलीकन दे सिलीकन एटम अटैच्ड है नाल। इलेक्ट्रॉन तो कल्ला सी फ्री सी किते भी मूव कर रहा सी वो कंडक्शन च पार्टिसिपेट कर रहा सी। लेकिन जो फॉस्फोरस हुण जिहड़ा आयनाइज्ड इत्थे बन हो गया आयनाइज हो गया उन्होंने कोई कंडक्शन च पार्टिसिपेट नहीं करना तो एक पॉजिटिव इत्थे चार्ज डेवलप हो गया। यह होगी इलेक्ट्रॉन्स दी जो इधर तो इधर मूव किते। हुण जिहड़े होल्स है होल्स जो पी साइड तो एन साइड वल डिफ्यूज करते हैं तो इत्थे एक नैगेटिव आयन बन बन जाना है नैगेटिव आयनस की बननी है जगह। वो नैगेटिव आयनस क्यों बनने हूँ आप देखते हैं। एन टाइप सैमी कंडक्टर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड की थी तो पी टाइप एड की थी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी लैट से एल्यूमीनियम एड किया एल्यूमीनियम के तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है तो जे एल्यूमीनियम को तीन इलेक्ट्रॉन्स रहन तो न्यूट्रल है सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स के नाल न्यूट्रल है। लेकिन जो सिलीकन के क्रिस्टल दे विच असी पा दिता सी असी देखा सी भी इत्थे एक होल जनरेट हो गया। हुण आपां उदों देखा सी कि होल्स मोश मूव किवें करदे आ होल्स मूव करदे आ जे भी कोई होर इलेक्ट्रॉन किसे होर किसे एटम तो किसे होर सिलीकन दे एटम तो ही मान लो इहदे ते आके गिर जांदा है। सिलीकन कोई इत्थे एटम है इहदा आ वाला इलेक्ट्रॉन इहदे विच आके आ गया। हुण इहदे कोल चार इलेक्ट्रॉन हो गए है जबकि ये कोल सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हुण ये कोल चार इलेक्ट्रॉन है तो यह हुण नैगेटिवली चार्ज है न्यूट्रल नहीं रहा। जदों होल्स पी साइड तो एन साइड वल जाएंगे तो जो जंक्शन के कोल है नैगेटिवली चार्ज आयनस इत्थे बन जाएंगे। ये नैगेटिवली चार्ज आयनस मूव नहीं कर सकते है। सो जदों पी एन जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूजन हुई सब तो पहले जो बनया तो डिफ्यूजन हुई तो वह अक्रॉस एक रीजन बन गया। इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। हुण जो इत्थे नैगेटिव चार्ज ते पॉजिटिव चार्ज जंक्शन दे कोल क्रिएट हो गया इत्थे इमोबाइल चार्जिज है इन्होंने कंडक्शन च पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये वाला जिहड़ा रीजन बनया है इनू बोलदे आ डिप्लीशन रीजन इनू डिप्लीशन रीजन क्यों बोलदे आ क्योंकि इहदे विच कोई भी मोबाइल जिहड़े कि चार्ज मूव कैरियरस मूव कर सकते वह नहीं है इत्थे इमोबाइल चार्ज कैरियरस है इसलिए इन्हें बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो असीं देखिया कि जो पी एन जंक्शन एक दूसरे नाल पी ते एन टाइप सैमी कंडक्टर्स कॉन्टैक्ट दे विच आंदे है तो डिफ्यूजन हुंदी है। डिफ्यूजन दे नाल इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े आ एन टू पी साइड वल मूव करदे आ होल जिहड़े आ पी तो एन साइड वल मूव करदे आ ते डिफ्यूजन करंट फ्लो करदा है पी तो एन साइड करके। एक डिफ्यूजन करके ये चीज़ हुंदी है इहदे होण करके की हुंदा है कि इत्थे एक नैगेटिव ते पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जांदा है जो कि इमोबाइल है मूव नहीं कर सकदा तो उहनूं असीं डिप्लीशन रीजन कहिंदे आ। हुण जिहड़ा चार्ज डेवलप होया इत्थे एक नैगेटिव ते पॉजिटिव पोटेंशियल इन्हें डेवलप करा दिता है। हुण की होएगा कि पी टाइप दे विच जिहदे विच इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े है माइनॉरिटी चार्ज कैरियरस है क्योंकि इहदे विच बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स है ते एन टाइप दे विच होल्स जिहड़े है मेजोरिटी चार्ज कैरियरस है वह की करनगे ए वाले नैगेटिव पोटेंशियल दे इन्फ्लुएंस च इधर मूव करनगे। सो हुण होल्स दी ड्रिफ्टिंग होएगी होल्स ड्रिफ्ट करनगे एम तो पी। डिफ्यूजन ते ड्रिफ्ट दे विच डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स दी होल्स दी अपनी मर्जी नाल हुई सी मैं उहदे ते कोई एक्सट्रा पोटेंशियल असी ऐड नहीं सी कीता बाहरों जिहदे करके कि इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स नूं कोई धक्का मिले या कुछ होए अपनी मर्जी दे आराम नाल इधर दे उधर डिफ्यूज कीते है। जबकि जो ड्रिफ्टिंग हुई है हुण उहनां नूं पोटेंशियल मिल गया है कोई पोटेंशियल दे इन्फ्लुएंस दे अंडर वह मूव करते पे है उन्होंने कोई फोर्स मिल रही है जिहदे करके उधर नूं धक्के जा रहे हैं। इसे हुण जो पोटेंशियल मिल रहा है की है कि इधर नैगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े है इहदे विच माइनॉरिटी चार्ज कैरियरस है तो होल्स इहदे विच मेजोरिटी चार्ज कैरियरस है। होल्स नूं असीं पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज चार्ज कैरियर आ वह इस साइड वल मूव करेगा इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हैगा इहदा मतलब कि जिहड़ा नैगेटिव है इलेक्ट्रॉन है जिहड़ा कि पी टाइप दे विच माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वह इस पोटेंशियल करके दूसरे वाले पासे मूव करेगा। तो हुण मैं इधर लिखा होया है कि ड्रिफ्टिंग करके की होएगा कि होल्स मूव करनगे एन साइड तो पी साइड वल
इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पी साइड तो एन साइड वाल, ये करके ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा एन साइड तो पी साइड वाल। पर नज़र आ रहा है कि डिफ्यूजन करंट ते ड्रिफ्ट करंट, जो डिफ्यूजन करंट पहले डिस्कस किया सी ते ड्रिफ्ट करंट जो हूँ डिस्कस किया, इन्हां करके जो करंट है वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। जदों असीं हले पी एन जंक्शन हले जदों पी ते एन टाइप हले जस्ट कट्ठे ही सीगे उदों ड्रिफ्ट करंट नहीं सी, उदों सिर्फ डिफ्यूजन करंट सी। डिफ्यूजन करंट दे करके आ वाला डिप्लीशन रीजन डेवलप होना शुरू होया। डिप्लीशन रीजन दे डेवलप होने दे नाले बैटरी बनी, बैटरी नहीं एक पोटेंशियल बनया। एक पोटेंशियल दे बनन दे नाल ड्रिफ्ट करंट फ्लो करना शुरू किया जो दोनों की ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। जिवें जिवें डिफ्यूजन करंट वधेगा उवें उवें आ वाला डिप्लीशन रीजन वधेगा उवें उवें ड्रिफ्ट करंट वधेगा, तो इवेंचुअली की होएगा डिफ्यूजन करंट विल बिकम इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन ते ड्रिफ्ट करंट इवेंचुअली इक्वल हो जाएंगे। हुण कोई भी जे डिफ्यूजन ते ड्रिफ्ट करंट आपस इक्वल हो गए हैं तो हुण कोई भी चार्ज कैरियर किधर भी मूव नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन ने किस इधर मूव करना ना इधर ने इधर, किसी ने किसी भी चार्ज कैरियर ने किसी भी तरफ मूव नहीं करना है। उस टाइम के उपर एक पी एन जंक्शन जो सा बने है ये उपर एक पोटेंशियल होएगा वी बी। वी बी जड़ा बैरियर बन गया, इन्हें बैरियर लगाता है कि हूँ इन्हें किसी नू भी किधर फसले मूव नहीं करन देना है। जे कला ये बैरियर ना हुंदा ते डिफ्यूजन हुई जानी सी, पर डिफ्यूजन दे होण करके ही ये बैरियर बन रहा ते जिदे करके ड्रिफ्टिंग हो रही सी ते वध रहा सी ड्रिफ्ट करंट वध रहा सी, ते इवेंचुअली डिफ्यूजन ते ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो गए। हुण इसे इक्वल होने तो बाद ये बैरियर ने अलाओ ही नहीं करना है कि कोई भी चार्ज कैरियर एक तो दूसरी साइड वल जाए। तो ये है साडा पी एन जंक्शन, इस तरह बनता है साडा पी एन जंक्शन। हुणे असीं देखिया कि पी एन जंक्शन किवें बनता है, हुण असीं देखदे हां कि पी एन जंक्शन डायोड किनू कहिंदे आ। जो असीं आ बनाई सी पी एन जंक्शन जो पी ते एन टाइप सैमी कंडक्टर्स दे इधर पी ते एन टाइप सैमी कंडक्टर्स दे कॉन्टैक्ट दे नाल बनी सी, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होया सी इधर नैगेटिव चार्ज डेवलप होया सी, एक बैरियर बनया सी वी बी। ए सी पी एन जंक्शन जो बनया। जे एदे क्रॉस मटैलिक कॉन्टैक्ट्स लगा दिए, मटैलिक कॉन्टैक्ट्स का मतलब है कि ये बाहरों किसी होर सर्किट के नाल हुन अटैच होने लिए पॉसिबल हो सके। हुन एदे क्रॉस असी मटैलिक कॉन्टैक्ट्स लगा दिते है, मटैलिक कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। हूँ यह पी एन जंक्शन डायोड बन गई है। पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है ए ट्राइंगल पी टाइप नू रैप्रजेंट करता है तो ए एन साइड नू रैप्रजेंट करता है। ए है पी एन जंक्शन डायोड तो उसका सिंबल। हूँ तक आप पी एन जंक्शन डायोड बारे पढ़ चुके हैं, हूँ आप पढ़ा पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। बायस का की मतलब है कि कल आप देखा सी कि पी एन जंक्शन दे अगर आप बाहर मटैलिक कॉन्टैक्ट्स लगा दिए तो डायोड बन जाती है, तो उन्होंने आप किसी होर सर्किट दे विच यूज़ करते हैं। जो एक्सटरनल बैटरी इनू बोलते हैं बायस वोल्टेज, कि एक्सटरनल उन्होंने वोल्टेज आप किस तरीके लगाइए केड़ी पोलैरिटी की लगाइए कि पी एन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स किस साडे कम आ सकन। हूँ असं पढ़ा अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की होंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मीनल पी टाइप नाल कनैक्टेड हुंदा और बैटरी का नैगेटिव टर्मीनल एन टाइप नाल कनैक्टेड है। हुण जिहड़ी भी इंटायर वोल्टेज है बैटरी की ये ड्रॉप करेगी इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस। डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस क्यों ड्रॉप करेगी, क्योंकि जो पी टाइप तो एन टाइप है इन्हां दे विच चार्ज कैरियरस हुंदे है, ये चार्ज कैरियरस होण करके इन्हां दे विच चार्ज कैरियरस मूव कर सकते हैं, तो कंडक्शन हुंदी है। जे कंडक्शन है इहदा मतलब इहदे चों करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस थोड़ी है करंट नूं। जबकि जिहड़ा डिप्लीशन लेयर है इहदे विच की है कि इमोबाइल चार्ज कैरियरस है, कि इहदे विच आयनाइज एटम्स है जो मूव नहीं कर सकते है, वो मूव बिल्कुल नहीं करेंगे, इहदा मतलब करंट की कंडक्शन नहीं है। जे करंट की कंडक्शन नहीं है इहदा मतलब कि इत्थे रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ये पी टाइप तो एन टाइप आ वाली साइड से कंपेरेटिवली आ वाली डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जी सा रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, इस करके जी एक्सटरनल वोल्टेज है ये सारी की सारी ए अक्रॉस ड्रॉप करेगी। हूँ असं देखिए कि ये अक्रॉस तो ऑलरेडी एक पोटेंशियल डेवलप होया हो जिन्होंने असी कहा बैरियर वोल्टेज। हूँ ए वाली बैरियर वोल्टेज
ये बैरियर वोल्टेज ते एक्सटर्नल वोल्टेज ये ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच है। जे ये नैगेटिव पोटेंशियल ये नैगेटिव ते पॉजिटिव है तो यह बैटरी का ये पॉजिटिव ये नाल इत्थे आ रहा है तो नैगेटिव इधर आ रहा है तो बैटरी की जिहड़ी पोटेंशियल है वह जिहड़ी बैरियर वोल्टेज है वो ऑपोजिट है। हुण ये ऑपोजिट होने का मतलब की है कि इन्होंने डिप्लीशन लेयर नूं कटा देना है। सो फॉरवर्ड बायस दे विच जिहड़ी साडी डिप्लीशन लेयर है वह कट जाएगी। हुण डिप्लीशन लेयर दे कटन दे नाल की होएगा जदों असीं ये अगर बैटरी अगर नहीं लगी हुई है नो बायस कंडीशन उन्हें कहते हैं कि कोई बैटरी वो ते नहीं लगी है तो एक असीं देखिया सी बैरियर वोल्टेज डेवलप हुई है क्योंकि पी एन टाइप वाली साइड से पॉजिटिव चार्ज कलैक्ट हो गया सी ते पी टाइप वाली साइड नैगेटिव चार्ज कलैक्ट हो गया सी। इहदा मतलब जो पी टाइप वाली आ वाली साइड है ये थोड़ी जी हल्की जी नैगेटिव पोटेंशियल पर है तो ये वाली पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो इन्हों के अक्रॉस बैरियर किन्ना सी वी बी ए है नो बायस कंडीशन के अंदर जो कुछ भी बायसिंग नहीं है। हूँ नो बायस बायस अंडर कंडीशन दे विच की होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जेड़े आ वो एन तो पी साइड वाल नहीं जा सकते हैं। ये नो बायस की गल कर रही हैं जे आप मान लीए कि हाले आ चीज़ इतने है ही नहीं है बैटरी असी नहीं लाई हुई तो इस बैरियर पोटेंशियल करके कोई भी इलेक्ट्रॉन एन साइड तो पी साइड वाल नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने इतने रिपल्शन मिलेगी नैगेटिव पोटेंशियल तो। इस तरह कोई भी होल जो पी साइड तो है वह एन साइड वाल नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें रिपल्शन मिलेगी पॉजिटिव पोटेंशियल तो। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन जे इधर एन साइड है इधर पी साइड है तो इलेक्ट्रॉन नू इन्ना बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा जो उन्हें इधर पी साइड वाल जाना है। सिमिलरली पी साइड वाले होल नू इन्ना बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा जो उन्हें एन साइड वाले पास जाना है। पर हूँ असी फॉरवर्ड बायसिंग की हुई है फॉरवर्ड बायसिंग नाल असी एक्सटर्नल अपलाइड वोल्टेज लाई हुई है तो उस एक्सटर्नल अपलाइड वोल्टेज ने वी बी दू कटा दिता है बैरियर नू कटा दिता है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच सीगी बायस बैटरी वाली बैरियर वोल्टेज तो बायस वोल्टेज दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच है इस करके जो बैरियर है कट जाएगा। हूँ बैरियर कितना रह जाएगा ए बैरियर रह जाएगा जे ऑलरेडी ए वी बी सी तो हूँ बैरियर कितना रह जाएगा वी बी माइनस वी आ वाली वोल्टेज होएगी वी। हूँ की होएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें भी कुछ थोड़ी एनर्जी आउटर शैल दे विच जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स है जिहड़े कुछ हाई एनर्जी दे होंगे वो इन्ना बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। जे वो बैरियर क्रॉस कर सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स बैरियर क्रॉस करके पी साइड वाल आ रहे हैं तो होल जिहड़े आ पी साइड तो एन साइड वाल जा रहे हैं तो करंट कंडक्शन होएगी। इहदा मतलब कि फॉरवर्ड बायस दे विच जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड तो पी साइड वाल मूव करेंगे एम तो पी वाल मूव करेंगे तो जो होल्स है वो पी तो एन साइड वाल मूव करेंगे। इस मोशन करके हुण की होएगा कि करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि चार्ज कैरियर्स अगर मूव कर रहे हैं जंक्शन दे क्रॉस चार्ज कैरियर्स अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड तो इस साइड वाल आ गया है पी साइड तो इस साइड वाल आ गया है तो हुण की होएगा कि करंट का फ्लो होएगा। सो इस मोशन करके करंट फ्लो करेगा ये जरा करंट फ्लो करता है यदा ऑर्डर होंगे मिली एम्पीयर मतलब जो करंट हूँ फ्लो किया वह मिली एम्पीयर के साइज का होएगा। हूँ असं करते हैं पी एन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। हूँ रिवर्स बायस के है नैगेटिव टर्मीनल ऑफ बैटरी इज कनैक्टेड टू द पी साइड तो पॉजिटिव टर्मीनल बैटरी का एन साइड के नाल कनैक्टेड है। हूँ पोलैरिटीज़ रिवर्स कर दी गई हैं फॉरवर्ड बायस के नालों फॉरवर्ड बायस के पॉजिटिव नू पी नाल कनैक्ट किया होया सी ते नैगेटिव नू एन नाल कनैक्ट किया होया सी लेकिन रिवर्स बायस के नैगेटिव टर्मीनल नू पी साइड नाल कनैक्ट किया होया ते पॉजिटिव टर्मीनल नू एन साइड नाल कनैक्ट किया होया। फिर वही गल है कि हूँ सारी दे सारी वोल्टेज इस डिप्लीशन लेयर दे अक्रॉस आके ड्रॉप करेगी क्योंकि इन्हां दी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी है तो इहदी रेजिस्टेंस हाई है। हूँ जो आप ये क्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप हुई तो देखा कि हूँ जो ये बैरियर वोल्टेज की तो बायस वोल्टेज की पोलैरिटीज़ सेम है सेम डायरेक्शन दे विच है दोनों बायस ते बायस वोल्टेज ये क्या होगा कि डिप्लीशन विड्थ जी है वो बढ़ जाएगी। जो नो बायस के अंदर पहले सेगा वी बी पोटेंशियल ऐसे नो बायस जो उपर कुछ बायसिंग नहीं लगी हुई है हूँ जो ये उपर असी बायस लगा दिता है रिवर्स बायस के अंदर
ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀ ਪਲੱਸ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋ ਬਾਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਲਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਐਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਮੈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਲਸ ਅਤੇ ਮੈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੋਣੇ ਸੀ ਐਨ ਤੋਂ ਪੀ ਵੱਲ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਕੁਛ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਬੀ ਪਲੱਸ ਵੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲਸ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਨ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਹੋਲਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਲਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵੀ ਕੈਰੇਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਆਈ ਵੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵਰਸਿਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਵੋਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ 1.6 ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 0.2 0.4 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ 0.6 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
किसी एक मटीरियल के लिए असी बनाई हुई है। हुण असी देखते हैं रिवर्स बायस दे विच। रिवर्स बायस दे विच सब तो पहले गौर करने वाली गल है कि जो करंट है हुणे माइक्रो एम्पीयर्स दे विच प्लॉट किया होया है, क्योंकि करंट फॉरवर्ड बायस दे विच ज़्यादा हुंदा है ते रिवर्स बायस दे विच बहुत ही थोड़ा हुंदा है, ते ये करंट इसीलिए माइक्रो एम्पीयर्स दे विच लिखा होया है। वोल्टेज फिर भी वोल्ट्स है, पर हुण जो नंबर है वो ज़्यादा है, 20, 40, 60। फॉरवर्ड बायस दे विच 0.2, 0.4, 0.6 वोल्टेज सी, जबकि रिवर्स बायस दे विच ज़्यादा वोल्टेज प्लॉट की हुई है। हुण असीं देखिए कि चाहे 80 वोल्टेज तक, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, इन्नी हाई वोल्टेज तक करंट ऑलमोस्ट जीरो है, कि रिवर्स बायस दे विच असीं देखिया सी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियरस मूव करते हैं, करंट बहुत थोड़ा हुंदा है, तो असीं जिन्नी मर्जी उहदे ते वोल्टेज लगाई जाइए करंट थोड़ा ही रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा। जिहड़ा ये ऑलमोस्ट थोड़ा जीरो, ऑलमोस्ट जो जीरो दे क्लोज करंट है, इहनूं बोलदे है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये एक्चुअली मान लो इन्नी वैल्यू है, जीरो तो बहुत थोड़ी जी, इहनूं इत्थे लिखदे हां आए रिवर्स सैचुरेशन करंट, कि चाहे वोल्टेज असी किन्नी वधाई हुई है, जिन्नी मर्जी वोल्टेज प्रोवाइड करी जाइए, एटलीस्ट किसी एक पीएन जंक्शन डायोड लिए 80 वोल्ट तक भी चाहे असी चले जाइए, लेकिन रिवर्स बायस दे विच करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहिंदा है, जबकि फॉरवर्ड बायस दे विच देखिया 0.6 वोल्टेज तो बाद ही करंट एक्सपोनेंशियली वधन लग जाता है। उस तो बाद की होया कि 80 वोल्टेज दे अराउंड एकदम हैवी करंट फ्लो किया, एकदम ही बहुत ज़्यादा करंट इनक्रीज़ हो गया। जिथे करंट बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाता है, जिस वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाता है, उन्हें बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यह ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज तो बाद की होना है कि चाहे से थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज करिए, लेकिन करंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कि चाहे से 80 to 80.1 ही चले जाइए, 0.1 वोल्ट का ही इंक्रीज़ है, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हूँ बहुत हैवी करंट फ्लो कर रहा है रिवर्स बायस दे विच। ये वाले रीजन नू बोलते हैं जितों इस तो बाद वोल्टेज वधान दे नाल इन्ना करंट नहीं फर्क नहीं पैना कि करंट बहुत हैवी फ्लो कर रहा है, इनू बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस दे ते रिवर्स बायस दे। ये करन तो बाद सानू हुण पीएन जंक्शन डायोड बारे बेसिक नॉलेज हो चुकी है, इस तो बाद असी इन्हां दे पीएन जंक्शन डायोड अगे किवें सर्किट्स दे विच यूज़ हुंदी है ये असी नैक्सट लैक्चर विच करांगे। तो असी हुण पीएन जंक्शन दीआं दो बायसिंग पढ़ियां, एक पढ़ी है फॉरवर्ड बायसिंग, एक पढ़ी है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायस दे विच की है कि करंट फ्लो करता है, इहदे विच करंट फ्लो करता है जो कि मिली एम्पीयर की रेंज च हुंदा है। रिवर्स बायसिंग दे विच करंट फ्लो तो करता पर माइक्रो एम्पीयर की रेंज दे च, माइक्रो एम्पीयर की रेंज विच करंट जो है बहुत ही छोटा है, होया ना होया वो एक बराबर है। सो असी कह सकते हैं कि रिवर्स बायस दे विच करंट ऑलमोस्ट फ्लो ही नहीं करता, जिन्नी देर तक वो ब्रेकडाउन तो नीचे है, ब्रेकडाउन रीजन तो जिन्नी देर तक वोल्टेज नीचे है, ऑलमोस्ट रिवर्स दे विच करंट जिहड़ा है फ्लो नहीं करता। इहदा मतलब जे इहदे च करंट फ्लो करता है तो ये जिहड़ी रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस दे केस दे विच, मैं एफ बी फॉरवर्ड बायसिंग दी लिखी है, वो घट है रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। सो रेजिस्टेंस जिहड़ी है रिवर्स बायस दे केस दे विच ज़्यादा है तो फॉरवर्ड बायस दे केस दे विच घट है। पी एन जंक्शन डायोड के लिए असी जो रेजिस्टेंस नॉर्मली यूज़ करते हैं, असी डीसी रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, पर ये जरा रेजिस्टेंस का एक पैरामीटर यूज़ करते हैं, उन्होंने कहें डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, बस चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट है। वैसे जी डीसी रेजिस्टेंस होंगी है वी अपॉन आई, सिर्फ वी अपॉन आई, कोई चेंज नहीं है, पर डायनामिक रेजिस्टेंस इज डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वी अपॉन चेंज इन आई। ये है पैरामीटर जो कि असी पीएन जंक्शन डायोड नू जदों किसी सर्किट यूज करना है तो डायनामिक रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा पैरामीटर मनिया जाता है एज कंपेयर टू द डीसी रेजिस्टेंस, इसलिए असं डायनामिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं चेंज इन वी अपॉन चेंज इन आई।
सो हुण तक सानू पीएन जंक्शन डायोड बारे बेसिक इनफॉर्मेशन सारी मिल गई है, तो नैक्सट लैक्चर के असं इनू किवें होर सर्किट्स के यूज़ कर सकते हैं पीएन जंक्शन, वह पढ़ा। थैंक यू।